इस वक्त हमारे साथ वो दरिंदा सिर्फ सफाक मुलजमान मौजूद है जिन्होंने 5 साल मासूम बच्चे को पहले इज्तमाही तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसे गला दबाकर उसकी सांस बंद करके मुंह पे हाथ रख के उसे कत्ल किया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश को पहले जो है वो बाथरूम की छत के ऊपर छुपाया। उसके बाद एक इनमें से जो सबसे ज़ईफ लगता है, जिसकी दाढ़ी भी सफ़ेद आपको दिखाई दे रही है, उसी शख्स ने उस बच्चे की लाश को फिर नीचे उतारा और फिर गंदे नाले में फेंक के आया। ये सब कुछ, ये घटिया तरीन हरकत इन्होंने किस तरह से की, क्या वकुआ हुआ, कैसे हुआ और इनका क्या क्या किरदार है, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी, की ना है तेरा? नवीद सर, बुढ़ी ला क्या ये बच्चा आप नहीं, सामने रहती सी बस। तकरीबन कोई वाकई तो कोई 15 दिन पहले इतने आई है मेरी दुकान के सामने। अच्छा, हाँ जी। आंदे ही तेनू कहंदी है मेरे नाल सोबत कर। हाँ जी। तू की किया, अगो इनकार किया? नहीं, मैं क्या, मैं नहीं कह रहा। फिर इन्हें जबरदस्ती कहती कर ला कुछ, जबरदस्ती की कटिया ने डंडा की कटिया? कुछ नहीं कटिया ने, क्या कर ला, कुछ नहीं होता। अच्छा, कौन कौन सी कमरे च? मैं सी, नदीम सी, छापर सी, तो लेडी सी, तो बच्चे। रियाना बीबी है ना, ओने गला दबाया मेरा मुंह दे उत्ते हाथ सी। तेरा मुंह दे उत्ते हाथ सी? जी सर। मुंह दे उत्ते हाथ रखिया सी, उंजी गलती ना चला गया सी? नहीं नहीं, इन्हें मैंने रियाना बीबी ने कहा कि मुंह दे उत्ते हाथ रख ला सर। मुंह दे उत्ते हाथ? हां जी। फिर बच्चा मारता तुसी? फिर बच्चा मारया ना ने। हां जी। इस्तमाई ज्यादती करान तो बाद बच्चा मारता? हां जी, बच्चा मार गया। बच्चा मारता? हां जी, बच्चा मारता। हां जी सर। एना ने ते तू कुछ नहीं कीता? नहीं, मेरा मुंह दे उत्ते सारा हाथ सी। ते मुंह दे उत्ते हाथ सी ते तू भी मारया ना? हां जी, ठीक है सर। ठीक है की? ते अगले दिन फिर इन्होंने ना, ओए कोई शर्म आई, 5 बच्चियां दा तो प्यो है, 4 तेरियां धीयां है, 1 बच्चा है, की कीता ही है? शर्मिंदगी ना जो भी है, सोबत करती उन्हें आके तेरे ना जबरदस्ती सारीयां कहानियां सुनाई जाने। नहीं नहीं, कहानी नहीं सही, मैं तो दसया कि उसने अपना सोबत मैं कीती उहदे नाल, ते बच्चा जी तो मरिया ना नदीम दा, ते ओ बीबी दा गले दे उत्ते हाथ सी, ते मेरा मुंह दे उत्ते हाथ सी सर। ओए बच्चे नू ज़ालिमो क्यों मारे आई, क्यों कीता है, ओदे नाल ज़्यादती क्यों कीती? 5 साल दी इक औरत अगर तुहाडे नाल हैगी सी, ओ मर्ज़ी नाल आई, जिवें भी आई, ओ बच्चे नू क्यों बुलवाए? असीं नहीं बुलवाया सर। हां, ए खुद लै के आई है सर बच्चे नू। क्यों लै के आई है? पहले भी लियाई सी कदी? नहीं। ते फिर अगर लै आई है ते वापस भेज दो उहनू। इन्हां दी ना घर च होई सी लड़ाई। हां, ए जिहड़ी बच्चे दी मां है ते ऐसी रियाना दी, आप 4700 रुपया है, कहती मेरा कर लिया, तो मेरे 2 मोबाइल कट रहे हैं, तो उन्होंने इन्हें धमकी लाई कि मैं तेरे शाम को बच्चे की अंदर कट देनी है। हाँ जी। तो आई इन्हों को लैके, तो इन्होंने कहा बच्चे को क्यों मारना है, कहती मैं आपकी माँ को कहा या मेरे 4700 रुपया दे दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चे की अंदर कट दूँ। तो फिर तू रल के ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਰਨ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਮੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਗਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤੂੰ ਇੰਤਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਚੂਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਣਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਰ। ਮੈਂ गलती बड़ी वड्डी हो गई है, बहुत ज्यादती हो गई, मैं तुहानूं दस्सिया ना गलती हो गई सर। की गलती हो गई? क्या है जे बच्चा मर गया? बच्चे नूं ओहदे कहण ते मारे, औरत दे कहण ते मारे? हां जी, ओह कहिंदी सी इहनूं मार देणा। हां, मार देणा। ते बेशर्म ओह तुसीं मारता फिर जी? किस वास्ते मारता है? पता नहीं सर, ओहदा मकसद सी कि की सी। ते मारिया किन्ने? नदीम ने, ते ओहने मैं तुहानूं दस्सिया ओहदा गिच्ची दबाई है, ते मैं मुंह ते हाथ रख्या। तू मुंह ते हाथ रख्या सी? ते मुंह ते हाथ रखण नाल ते कुछ भी नहीं हुंदा। हां जी, कुछ नहीं हुंदा ना? हुंदा, सांह रुकदा ही। हां जी, मर जांदा कोई तेरे मुंह ते हाथ
रखेंगे ना तेन पता लगेगा जी सर। फिर कहो जिया लग रहा है ए जुल्म दी एक दास्तान रकम करके पछता रहे हैं सर। शर्मिंदगी नहीं पछता रहे हैं सर अपनी गलती से। बच्चियां तो सोचे ही बच्चियां का की बनेगा तेरे बच्चियां का मुस्तकबिल हुण ते तू अंदर आ गए उन्होंने कोई खुदा ना खासते इहो जिहा काम होवे की एक वालद ते वालदा की कैफियत होंदी है उस तुसी दरिंदे वालद एक हिसाब दा मर जांदा यकीन कर होए ना ते मैं मर गया मर गया सारे बच्चे ना ज्यादा हो गया ना मैं बड़ी मैं शर्म आती है ते हल्का जी हाथ रखे ऐसी तू ते मरया नहीं तू जिंदा है मरया होंदा ते सब कुछ दसदा के मेरे को की गुनाह हो गया है किन गुनाह कबीरा करता है गुनाह हो गया करता है तबाह करता है एक बच्चा मारता है ओदा खानदान नु मतलब इतना बड़ा दुख देता है जी सर। वो कोई तेरी तासुरात नहीं आ रहे वापस आना मैं तेरे को। हां भाई तू इधर आ कितनी उम्र है तेरी मेरी 53 साल सर। 53 साल की नाम है तेरा नदीम की करना है इस उम्र रक्षा चलाना रक्षा चलाना जी एक्सीडेंट होया सी मेरा मैं बिल्कुल कार पे आ गया बैठी मजलूम है गए तू एक्सीडेंट होया नहीं मजलूम तो नहीं सर वो की करता है जुल्म दी इंतहा करती हो नहीं सर वो शराब पीती सी बस बैठे रहा शराब पीती सी जी सर। अच्छा एक्सीडेंट हो जावे तो शराब पीनी चाहिए नहीं मतलब एक्सीडेंट बहुत देर हो गई 3 साल हो गया तो बैठे समझा पा सर मैं तो शराब पी के शराब लिया के आया सर पर शराब पीती सी उधर बीबी लैके आ गई बच्चे उच्ची बोलना ही वो मेरा गला खराब था इधर जिन्नी भी आवाज कर दे हाँ जी वो बच्चे ने लैके आई बीबी हाँ तो मैंने भट्टी ने जाच सी की उन्हें उस बाद भट्टी ने मतलब धोबी जेड़ा औरत ना। अच्छा उस बाद बीबी ने बच्चे का कहना कहती बच्चे मारना जाती करनी मैं कहना ना रहन दे कहीं नहीं अस शराब पीती सी शराब सानू होश कोई नहीं जनाब फिर वो बच्चे ने जाती की छापा ने पहले मुड़ के मैं की वो शर्म नहीं आई तो शादी शुद है जी सर। किन्ने बच्चे ही तेरे हाँ जी किन्नी किन्नी उम्र है जवान ने सर है जवान ने किन्ने जवान है 22 साल एक दी उम्र एक दी 17 साल एक दी 12 साल 22 साल 17 साल 15 साल शराब पीती सी बस सर सब कुछ शराब दे उत्ते पा के शराब पी के घर जाके कदी अपने सगे बच्चे दे नाल इंज कीता ही दस मैं शराब तू उस दिन पहली बार पीती हो कदों दा पी रहे शराब 2 महीने हो गए 2 महीने हो गए यह भी झूठ बोल रहे हैं तू बड़ी देर का पी रहे हैं आदि मुजरम है शराब पी के घर जाके कभी अपने बच्चे या बच्ची के नाल ज्यादती की दस दे ते असी कह लें मान लें फिर शराब का कसूर है बोलने आवाज आवे तेरी नहीं सर ने नहीं की फिर तो तेन सारी होश सी 5 साल बच्चे किस बेदर्दी के नाल कतल किया ज्यादती की गल दस कि कतल किया गल सुना बीबी बीबी ने फड़ा बीबी ने क्या मारना तो गला बीबी कौन लगती सी तेरी जे बीबी दे एकम तू मन रहा सी बीबी दी गलत कारी लई बुलाई सी ना तू तेरी बैठक च ये सारा तन गलत काम होया ना हां जी हां असो आई जी बैठक दे विच ते सर दसी जास्ती आवाज सही निकले तेरी पूरी गल सुनानी है तू जास्ती कीती बच्चे नाल सर ते मैंने बीबी ने गले ते अंज पट्टी ने मुंह हथ रखा सी बीबी ने मुंडे फड़ा सी कहिंदी गला दबा दे इन्हें गला दबाया मैं कहिंदी हथ रख नाल मेरे गालां कढ़न लग पई गला दबाता फिर बीबी पिस्तौल लेके आई सी ते यरगमाल बनाया सी तन तीनों नु नहीं नहीं सर ओदे नाल गलतकारियां उत्थे तुसी कर रहे हो बच्चे नाल गलतकारी कर रहे हो बीबी दे कहन दे उत्ते तू चल रहे है 25 साल दा तेरा वड्डा बच्चा है की गुफ्तगू सुनाई जा रहे है कोई गुफ्तगू ओए आवाज आवे निकले तेरी नहीं सर गुफ्तगू कोई नहीं सुना रहे सही गल करन दे जेड़ी जन्मन वाकया है। अच्छा फिर बच्चा मारन तो बाद की कीता है उन अगली कार्रवाई सारी सुना बच्चा गैलरी च रखया है मेरे नाल बच्चा मर गया हां जी आपस में की गुफ्तगू हुई उथे गुफ्तगू कोई नहीं ज्यादती कीती पहले हां जी एने छप तू दूसरी बारी तू कीती छोटे जे मासूम बच्चे नाल जी। ये वो दरिंदा सिर्फ शख्स है जो किसी भी घर में हो तो लोग इसे समझेंगे कि ये दादा है नाना है दाढ़ी में सफेद बाल है लेकिन ये दरिंदा सिफ्त मुलजमान किसी भी उम्र में हो सकते हैं वो 50 से ऊपर हो नीचे हो हर तरह के जो लोगों में
एक दरिंदा छुपा होता है जिन्होंने एक 25 साल का अपना बड़ा बेटा होने के बावजूद उसने 5 साल बच्चे को इज्तमाई ज्यादती का ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उससे बेदर्दी के साथ कत्ल किया, फिर उसकी लाश को जो है वो छुपा दिया। पुलिस ने जब इसे बुलाया, तफ्तीश का आगाज किया, तो इसने वहां पर भी ड्रामे किए और पुलिस ने इसे वक्त देने के बाद ये कहकर छोड़ दिया कि जब जरूरत पेश आएगी तो बुला लेंगे, क्योंकि बच्चा तब तक लापता था। लाश इसे पता था कहां पर मौजूद है। इसने फिर अपने आप से एक मुद्दा गायब करने के लिए उस लाश को वहां से उठाया और उसके बाद नाले में फेंक दिया। ये इसकी जुबानी आपको मजीद सुनवाते हैं, लेकिन ऐसे चेहरे आप देख लें जिन्हें हम बाइज्जत भी समझते हैं, जिनकी हया भी की जाती है, जिनका एहतराम भी होता है कि बच्चे बच्चियां छोटी उम्रों के सब लोग जो हैं वो इनके अगर इर्द गिर्द हैं तो ये बड़े लोग हैं, ये इनको कुछ नहीं होगा, ये महफूज हाथों में है। लेकिन किसी भी उम्र में दरिंदा छुपा हो सकता है। आप ज़रूर देखें, इन्होंने 5 साल मासूम बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया है। हाँ भाई, छड़ता हूँ तन नदीम जी सर, छड़ता फिर की किता तू जाके? सर बच्चे जाके छुटिया से तो नाले से लाया ला के, कल्ले लाया? मैं कल्ले लाया थे। अच्छा, कल्ले से ला के ते उधर केदे ते लाके गया? मोटर से चौक के ला गया, चादर रख के पैदल। पैदल कितनी दूर सी नाला का रहूं? इतो जे मैं गेट बाहर था। अच्छा, फिर जाके छोड़ता से नाला, नाले च छोड़ता जी। ओ जरा नहीं शर्म आई, हया नहीं आई? की कर रहे हैं तू? जुल्म दी इंतहा करती सर, आई से शर्मिंदा मैं बहुत ज्यादा। कदों आई सी तू? तो बच्चे नु मारता, ज्यादती कीती, और तू एड्डा वड्डा उम्र दा होके एक 5 साल बच्चे नु ज्यादती करके कत्ल करता है? बस सर बहुत शर्मिंदा, ऊंची आवाज च बहुत शर्मिंदा हां सर। केड़ा शर्मिंदा है तू? बहुत ज्यादा, अपनी सोच तो बाद के शर्मिंदा हां सर। की सजा तजवीज करना है अगर तू शर्मिंदा है अपने वास्ते? जो अल्लाह नु मंजूर होना हो जाना, ऐसे आके तन्नू मतलब अल्लाह दी मंजूरी याद आ गई सर? बस वाकई दिमाग तो फतूर चढ़े, उनकी समझ नहीं लगी। बीवी है तेरी? हाँ जी है। हयात है? हयात। फिर भी बद किरदार बंदे है, की कीता सर? बच्चे भी नहीं मैं बोलते मेरे नाल, बस वो गलती ना भरा अगे लड़े ने मेरे की बोलन, उन्होंने भी जिंदगी तू तबाह करती है। यह असर किन्नी दूर तक जाएगा, तेन भुगतना पेगा जिंदगी दे विच, नाल दे ने ते भुगते है भी है। हाँ बई तू ते सिर चुक, की ना है तेरा? अहमद रजा सर। तेरी उम्र किन्नी? 25 साल सर। 25 साल, तू शैतान, तू सब तो छोटा इना दे विच जी सर। इधर देख मेरे हाल जी सर। मैं की करना है? मैं रक्षा चलाना सर। रक्षा चलाना है जी सर। ते कितों यार बन गया तेरा है नदीम? अभी रक्षा ड्राइवर हैगा जी सर। अच्छा, हां जी, ये रक्षा ड्राइवर है, अभी रक्षा चलांदा सी, मैं भी रक्षा चलाना हूं सर। दोस्ती हो गई? हां जी सर। फिर इकट्ठे की करदे सी? शराब पींदे सी सर। अच्छा, इकट्ठे शराब? कितने अरसे तो पी रहे सी? सच दसना है सब कुछ? आई सर चार महीने हो गए सर। 3-4 महीने? ओदे 2 महीने करके तू जरा एक दो बढ़ाते है, काफी अरसे तो शराब पी रहे होगे? नहीं, 3-4 महीने हो गए सर शराब पीने गए सर, इंदी बैठक जाके पीना। कितने भैन भरा हो तुसी? 6 भैन भरा सर। कितने नंबर ते तू? सब ना छोटा सर। सब नालो छोटा है जी सर। फिर शराब पी रहे सी बैठक दे विच? रोज पींदे हो? नहीं, कदी कदार पींदे सी सर। 2 दिन बाद? हां जी, हफ्ते बाद, 4-5 दिन बाद। 4-5 दिन बाद जी सर। ठीक है, इकट्ठे शराब पी रहे सी? शराब पी के असि, मैं सुता हुआ सी सर, लेटे हुआ सी इंदी बैठक च। अचानक बुढ़ी बच्चा लै के आई है, मैं बुढ़ी नू जानदा भी नहीं सर। मैं तो रहिंदा भी परे महल्ले च हैगा वा, इह ते आ दोवें कट्ठे महल्ले च रहिंदे ने, तिन्ने महल्लेदार हैगे सी। मैं असी शराब पीती है, मैं शराब पी के लेटा हुआ सी बैठक च सर, ते बुढ़ी बच्चा लै के आई है, गल्लां बातां कर रहे सी। इन्हां ने मैनू उठाया वे, मैनू उठा के कहिंदे ने कि मैं उठिया, मैं कहा कौन है? ਇਹਨੇ ਕਿ ਧੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਧੋਬੀ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਤੇ ਸੁਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਨਦੀਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਚੱਲ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੁੜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਸਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਛਾ, ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? 3 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋ,
ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਗਾਇਆ ਵੇ ਸਰ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਫੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ 4-4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੋਤ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੋਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਦੋ ਸਰ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਦੋਂ ਫੋਤ ਹੋਈ? ਉਹ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੋਤ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸੀ ਸਰ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਦੀਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਕੇ? ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਗਵਾਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਉੱਧਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਚੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਨਵੀਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਇੰਨੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ? ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਦੱਸ? ਬਸ ਗਲਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ? ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ।